साथियों, ये गाय का इलाज परसों हमारे द्वारा किया गया था, कल डॉक्टर द्वारा किया गया था, हमें SDM मैडम को जब इसकी सूचना दी गई, परंतु इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि कल शाम तक तो ठीक थी, रात को किसी समय इसने अपने प्राण त्याग दिए। भाई हमारे सरदारजी JCB वाले मंजीत भाई द्वारा इसमें निःशुल्क सेवा हमारे लिए उपलब्ध कराई गई, और हमारी ये नगर पालिका की टीम जो हमारी एक आवाज़ पर यहाँ पर चली आती है, आज इसका अंतिम संस्कार कहेंगे हम, क्योंकि गाय पालना बहुत आसान है, यदि बीमार पड़ जाए चाहे वो दूध देती हो या ना देती हो, लोग छोड़ देते हैं। एक ऐसे पशुपालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि 10 साल, 5 साल या 6 साल इस गाय का दूध पिया, जब इसके ऊपर मुसीबत आई तो इसको गारे में दबा के छोड़ दिया था, परसों हमारे द्वारा से निकाला गया, कल भी डॉक्टर द्वारा इसमें अथक प्रयास किया गया, परंतु आज इसका किस समय इन्होंने अपनी देह त्याग दी, अब इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। थोड़ा जलकर ढक्कन हमारे नीरज भाई द्वारा इसमें बड़ा योगदान रहता है इन सामाजिक कार्यों में, नगर पालिका टीम के साथ साथ। भाई सब डाल बड़ा इधर देना, दो चार पॉइंट पूरा ढक्कन लो तुम तो हम तो गए नहीं यार, कोई बात आगे जा ब्लॉक प्रधान जी सही है, जो कर दो भैया। मंजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी लोग नगर पालिका का कर्मचारी भाई लोग हो गई कि अपने लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रोडों पर
निकाल देते हैं, शाम को उसको छोड़ देते हैं और सारा घूम फिर के जिम्मेदारी हमारी नगर पालिका के ऊपर आ जाती है। हमारी नगर पालिका क्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो लेके आना पड़ता है। सभी तरह का जानवर चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो गाय हो भैंस हो घोड़ा हो घूम फिर के नगर पालिका के कर्मचारियों के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आप इसको दबाएँ इसका इलाज कराएँ। उन मालिकों पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए जिनके पशु हैं जिन्होंने इसका दूध पिया अपने बच्चे पाले अपना रोजी रोजगार करा अपना घर मकान बनाया और आज उनको अंतिम समय पे इस स्थिति में छोड़ देगा उन पर भी कार्रवाई करे सरकार। मेरी यही मांग है कि सारी जिम्मेदारी नगर पालिका पे या हमारे पर आ जाए।